तो हमारे पास गेवन है कंडीशन कि टू ए प्लस थ्री एक्स इजिकल टू फाइव बी सबसे पहले हम ए बी के मैट्रिक्स लगाते हैं इसमें तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ए का मैट्रिक्स टू माइनस टू फोर टू माइनस फाइव और वन प्लस थ्री एक्स एक्स हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू फाइव टाइम्स बी का मैट्रिक्स एट जीरो फोर माइनस टू थ्री और सिक्स ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के साथ तो ये हो जाएगा टू टू जार फोर टू टू जार फोर माइनस फोर टू फोर जार एट टू टू जार फोर टू फाइव जार टेन माइनस टेन टू वन ज़ार टू प्लस थ्री टाइम्स एक्स इज़ इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के साथ तो फाइव एट ज़ार फोर्टी फाइव ज़ीरो फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी फाइव टू ज़ार टेन माइनस टेन हो जाएगा फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन और फाइव सिक्स जार थर्टी इस मैट्रिक्स को हम राइट right साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो थ्री एक्स हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर आ जाएगा फोर्टी जीरो ट्वेंटी माइनस टेन फिफ्टीन और थर्टी इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये वाला मैट्रिक्स फोर माइनस फोर एट फोर माइनस टेन और टू सब करते हैं तो यह हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर्टी माइनस फोर जीरो माइनस माइनस फोर ट्वेंटी माइनस एट माइनस टेन माइनस फोर फिफ्टीन माइनस माइनस टेन और थर्टी माइनस टू तो हमारे पास हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर्टी माइनस फोर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ज़ीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ज़ीरो प्लस फोर इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी माइनस एट इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टेन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिफ्टीन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और थर्टी माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी एट इस थ्री को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर हम वन और थ्री मल्टीप्लाई कर लेंगे या सिंपल थ्री से हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स को तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई थ्री तो हमारे पास हो जाएगा थ्री एक्स बाय थ्री और राइट right साइड भी वन बाई थ्री इंटू मैट्रिक्स है हमारे पास थर्टी सिक्स फोर ट्वेल्व माइनस फोर्टीन ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी एट ये दोनों कट जाएंगे सो एक्स इज इक्वल टू ये वन और थ्री हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन और थ्री फोर मल्टीप्लाई बाई वन और थ्री ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई वन और थ्री माइनस फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई वन और थ्री ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय वन ओवर थ्री और ट्वेंटी मल्टीप्लाई एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा डिवाइड नहीं हो सकता तो ये आ जाएगा फोर वन जार फोर ओर थ्री थ्री वन जार थ्री थ्री फोर जार ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू फोर इससे आ जाएगा माइनस फोटीन वन जार फोटीन बाई थ्री ट्वेंटी फाइव बाई थ्री ट्वेंटी फाइव बाई थ्री क्योंकि ये थ्री से डिवाइड नहीं हो सकता और इसी तरह ये हो जाएगा ट्वेंटी एट बाई थ्री जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है